जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, यदि आपके शरीर के भीतर भूत, प्रेत, पिशाच या विभिन्न प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं वो प्रवेश कर गई हों और आप परेशान हो रहे हो, या आपके घर के कोई सदस्य परेशान हो रहे हो, तो उन बुरी शक्तियों को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए, आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो और का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र साधना, शाबर मंत्र और तंत्र रहस्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति के शरीर में भूत समाया हुआ है। उसके पश्चात ये बताऊंगा कि उस व्यक्ति के शरीर से उस भूत को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, या फिर क्या उपाय किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि भूखा, प्यासा, क्रोध, लोभ, वासना, संभोग से विरक्त, इच्छाओं की पूर्ति किए बिना मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, और फिर वही आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, ताकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। लेकिन अक्सर जब किसी व्यक्ति के शरीर में मनुष्य की आत्मा प्रवेश करती है तो लोग इन्हें भूत समझने की गलती कर देते हैं, और तंत्र मंत्र शास्त्र का सहारा लेकर इन्हें बंधवा देते हैं। ऐसे में इन बुरी आत्माओं को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वह उस घर को बर्बाद करने की ठान लेता है, जिसकी वजह से वह बार बार उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उस घर की सुख शांति को भंग कर देता है। क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है कि ऐसी बुरी आत्माएं लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि और तकलीफ पहुंचाती है। ऐसे में अगर समय रहते बुरी आत्माओं को उस व्यक्ति के शरीर से नहीं निकाला जाता है, तो वह आत्मा उस व्यक्ति की जान ले सकती है, क्योंकि कई प्रकार के तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र का कहना है, जिस व्यक्ति के अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है, उस व्यक्ति को रात में भी नींद नहीं आती है, और वह व्यक्ति रात में 2 बजे खुद से बातें करता है और तरह तरह की हरकतें करता है, और हो सकता है कि वह घर से बाहर भी निकलकर घूमने के लिए चला जाए। ऐसे में अगर आपके घर का भी कोई सदस्य इन हरकतों से गुजर रहा हो, इन तकलीफों से गुजर रहा हो, तो आपको किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेना आवश्यक है, नहीं तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है, क्योंकि कामना रूपी दुखी आत्मा बहुत बुरी आत्मा होती है। दोस्तों, यह प्रमुख लक्षण है जो यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है। ऐसे में अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको तुरंत ही उस आत्मा को भगाने का कोई उपाय अपनाना चाहिए। तो कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति के शरीर पर इस प्रकार के भूत प्रेत का आधिपत्य हो चुका है? इनके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को इस प्रकार जान सकते हैं। लक्षण आपको बता रहा हूँ, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर पर भूतों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है।
आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए स्नान करना और पूरी तरह से स्वच्छ रहना कितना आवश्यक होता है। इसीलिए हर मनुष्य नियमित रूप से स्नान करता है घर और अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ रखता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी तुच्छ आत्मा का प्रवेश होता है तो वह व्यक्ति अपनी स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, न तो किसी से बात करता है, न तो अच्छे से खाता है और न ही अपने बालों में कंघी करता है, क्योंकि बुरी आत्माएं सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करती है, या तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को मोहरा बनाकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को तरह तरह की पीड़ा पहुंचाती रहती है। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला है, घर में किसी आदमी से बात न करना। तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुरी आत्मा यानी कि भूत प्रेत प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति घर के हर सदस्य से धीरे धीरे अलग होने लगता है और फिर एकांत में रहना पसंद करने लगता है। उसे इंसानों के अलावा अकेले में बातें करना बेहद पसंद आने लगता है। ऐसे में अगर कोई घर का सदस्य उसे घर के लोगों के पास बैठने के लिए कहता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर बुरी आत्मा होती है जो मनुष्य के साथ रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए अगर आपके घर का कोई व्यक्ति 2 या 3 दिन से आप लोगों से दूर दूर रह रहा हो, आप लोगों से बातें ना कर रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि उसके अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश है। दूसरा जो लक्षण है वो है, रात में भी उस व्यक्ति का जागते रहना और खुद से बातें करना। तंत्र मंत्र शास्त्र का कहना है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है उस व्यक्ति को रात में भी नींद नहीं आती है, और वह व्यक्ति रात में 12 बजे खुद से बातें करता है और तरह तरह की हरकतें करता है, और हो सकता है कि वह घर के बाहर निकल जाता हो, क्योंकि अक्सर करके जो बुरी आत्माएं होती है रात के समय घूमने के लिए निकलती है। तो ऐसे में अगर आपके घर का भी कोई सदस्य रात में भी एक पल के लिए नहीं सोता है और अकेले में खुद से बातें करता है तो आपको समझना चाहिए कि उसके अंदर बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। तीसरा जो लक्षण है वो है कि इस प्रकार के इंसानों को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी आत्मा अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है तो वह आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए घर के सभी सदस्यों पर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है उसे शारीरिक हानि पहुंचाने लगता है। ऐसे में अगर आपके घर का कोई सदस्य बेवजह घर के सभी सदस्यों पर छोटी मोटी बातों पर गुस्सा कर रहा हो और अपने आप को हर प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो इसका तात्पर्य उसके अंदर काम रूपी आत्मा ने प्रवेश किया है। चौथा जो लक्षण है वो है कि इस प्रकार के व्यक्ति खुद की साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगला जो लक्षण है वो इस प्रकार से है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो पांचवा लक्षण है कि कई प्रकार के ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब वहाँ पर ये इस प्रकार की जो आत्माएँ हैं कामना या काम वासना रूपी आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो वह आत्मा अपनी इच्छा पूर्ति का सपना देखकर कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता है, और जब उसे एहसास होता है कि मेरी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाएगी या फिर
उसे पूरा करने में किस हद तक गुजरना पड़ेगा तो वह रोने लगता है। आइए अब जानते हैं कि शरीर में से भूत को कैसे निकालें। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताऊंगा जो सच में किसी भी नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। लेकिन ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप इन्हें विधि पूर्वक से शुभ दिन और शुभ समय पर अपनाएंगे। इसलिए इस उपाय की विधिवत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। जो पहला उपाय है वो है तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि दीपावली के दिन मतलब दीपावली की रात को सरसों के तेल में या फिर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर काजल बना लें, फिर बना हुआ काजल देसी घी में मिक्स करके उस व्यक्ति की आँखों में लगाएं जिसके शरीर में बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है, तो वह बुरी आत्मा उस व्यक्ति के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। दूसरा उपाय है, सबसे पहले गाय के गोबर से कंडा बनाकर सुखा लें। जब कंडा सूख जाए तो उसे जलाकर आग बना लें और अब उस आग में कपूर रखकर कपूर का धुआं घर के चारों तरफ फैला दें और उस व्यक्ति को कपूर का धुआं सुंघाएं जिसे सिर्फ बुरी आत्मा ने अपने चपेट में ले लिया है। इस तरह से एक हफ्ते तक घर में लोबान का धुआं फैलाने से घर और व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तीसरा उपाय है, तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र के दिन धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर ले आए, फिर उस पौधे को उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक 5 बार स्पर्श करें। जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया हो उसके पश्चात इस पौधे को घर से दूर स्थान पर गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दें। पौधे को जमीन में इस तरह से गाड़ना है कि उसकी जड़ें ऊपर हो और पत्तियां जमीन के अंदर। इस तरह से इस उपाय को करने से घर और व्यक्ति के शरीर दोनों से नकारात्मक शक्ति चली जाती है। और चौथा जो उपाय है वो है प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र। इस हनुमान मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल जाती है। वो हनुमान मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रोम ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिक्कम क्षणयण हन हन भंजय मारय मारय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से जो भी शरीर में बुरी आत्माएं हैं वो शरीर से बाहर निकल आती हैं। अब जो पांचवा उपाय है वो भी जान लीजिए, 5 लाल मिर्च 1 नींबू को काले धागे में गूंथ कर माला बना लें, इसे घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसके अलावा जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हुआ है उस व्यक्ति के सिर से 5 बार लाल मिर्च उतार कर आग में दे दें। ऐसा करने से बुरी आत्मा व्यक्ति के शरीर और घर दोनों को छोड़कर बाहर निकल आती है, भाग जाती है। तो ये है कुछ उपाय जिनको आप उपयोग करके अपने आप को
बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं, अपने शरीर को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से कोई भी दुखी भाई इसका या दुखी बहने इसका इस्तेमाल करके अपने आप को इन भूत प्रेतों के चंगुल से अपने आप को मुक्त कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।